ये जी आज की गलियात की बर्फबारी, यहाँ हम लोग फंस गए। अब देखते हैं ये चेन चढ़ानी है। अभी कोशिश कर रहे हैं चेन चढ़ाने की। वो एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो तो बड़े अच्छे तरीके से चेन चढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अगर फिर मैं चेन चढ़ा सकूँ। ये इसको मैंने चेन तो टायर के ऊपर तो ले आया हूँ, अब देखें आगे क्या होता है। ये अभी देखते हैं, इस साइड की चेन तो फिट आ गई है, इस साइड की अब चेन ओए होए होए ये थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। चल एक साइड की चेन चढ़ाते हैं फिर देखते हैं। हाय 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 हाय, बड़ी मुश्किल से आधा पौना घंटा लगा के चेन बांधी है। अब देखते हैं, ये चेन तो ढीली सी बांध ली है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, ठीक है। थोड़े बहुत मामला चल रहे हैं, चेन बहुत ढीली है, ये जो चेन प्रोफेशनल बांधने वाले होते हैं ना, ये टाइट करते हैं, ये आवाज़ भी नहीं करती। तो चूँकि मुझे तो इतना तजर्बा नहीं है चेन बांधने का, थोड़ा ढीली आवाज़ भी बहुत कर रही है, लेकिन चलें हल्का हल्का जो है ना इसको गुजारा कर रही है मेरे लिए। ये हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि जब भी बर्फबारी पड़े, जब भी बर्फबारी हो शुरू हो, अपना दोस्तों को भी अपडेट दूँ और ख़ुद भी, एक हर बंदे का कोई ना कोई एक शौक होता है, चाहे हालात कुछ भी हों, वो शौक कभी नहीं मरता। और वो एक जो शौक होता है आपका, और पॉजिटिव शौक, ये भी नहीं कि वो कोई शौक ऐसा हो जो दूसरों को तकलीफ़ दे के अपना शौक पूरा किया जाए। ये मैं अकेला इसीलिए आया हूँ कि किसी को साथ नहीं लाया, मुझे नहीं पता था कहाँ पे चेन टूट जाएगी, कहाँ पे मैं फंस जाऊँगा। और ये मेरा अपना शौक़ है, और अपना शौक़ पूरा करना और अपडेट करना अपने दोस्तों को, चूँकि मेरे ज़ाहिर है जानने वाले नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मेरे से अटैच हैं, तो उनको भी साथ मिला लेते हैं। और ये है कि अपना शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो इस वो मैं बात कर रहा था कि शौक ऐसा होना चाहिए जिसको किसी से नुकसान ना हो। आप अपने बिहाफ पे वो शौक पूरा करें, और उससे क्या होता है, एक तो मोटिवेशन मिलती है ज़िंदगी में। ज़ाहिर है हर बंदे के कोई टारगेट्स होते हैं, कोई गोल होता है, तो ये छोटे छोटे जो इस तरह के शौक होते हैं वो आपका टारगेट, आपके गोल तक पहुँचने के लिए आपको एनर्जी देते हैं। तो ये आपकी एनर्जी होती है, और आपको मज़े की बात है कि ये आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देता। आपका शौक जो होता है, और पॉजिटिव शौक, और जो लाइक कुछ एडवेंचरस किस्म का शौक हो, तो वो इंसान को
कभी डीमोटिवेट नहीं होने देता, कभी बूढ़ा नहीं होने देता, कभी फ्रस्ट्रेशन का वो बंदा शिकार नहीं होता। और ये है कि डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, आपको हर्डल्स होती हैं। अब कई मेरे दोस्त हैं वो मुझे ये समझ लें कि पागलपन की हद तक मुझे वो कहते हैं कि यार तुम्हारा शौक है ये पागलपन है, लेकिन ठीक है जी पागलपन है तो नो प्रॉब्लम। अब ये टोयोटा जो है ये अब यहाँ पे इसने मेरे हल चैन नहीं बांधे हुए तो ये यहीं तक रह गया। यहाँ पे जनाब यहाँ से टोयोटा स्लिप कर रहा है तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी यहाँ पे वीडियो शीडियो बना लूँ। आगे बर्फ ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, अब ये देखते हैं हमें कहाँ तक पहुँचाती है। अच्छा तो दोस्तों कभी कभी ये भी होता है, अब ये मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ लेकिन ये चेन अड़क गई है कहीं फंस गई है अंदर जाके, अब वो ना ऊपर चढ़ रही है और ना उतर रही है। अब इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। अब ये अकेला समा बर्फ़ और जंगल, और अभी मैं कुछ इसकी तरतीब सोच रहा हूँ, या तो जैक लगाना पड़ेगा या फिर इसी तरीके से कोशिश करता हूँ इसको निकालने की। फंस गई है, जब तक ये नहीं निकलेगी ये समझ लें कि यहाँ पे मैं स्टक हो गया हूँ। चलें देखते हैं, अल्लाह मालिक है। चैन के साथ गाड़ियाँ तो चल रही हैं लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। हमारी चेन तो फंस गई है, अब इस चेन को निकाल के ही फिर आगे कुछ बात बनेगी। ये अकेले एडवेंचर कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। हाँ ये दोस्तों से शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब बड़े शौक रखते हैं तो फिर बड़े प्रॉब्लम के लिए भी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अभी मैं दो दफ़ा जैक लगा चुका हूँ लेकिन जैसे ही है जनाब गाड़ी ऊपर उठाता हूँ बर्फ़ की वजह से, फिसलन की वजह से जैक उतर जाता है, जैक स्लिप कर जाता है। अभी मैंने लगाया तो है अल्लाह करके और ये चेन अभी तक फंसी हुई है, तो अल्लाह खैर करे देखता हूँ। अभी ये टायर उतार के फिर चेन निकाल के फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। टायर लग गया, ये टायर भी लग गया, चेन तो मैंने अभी उतार दी, अब उतराई में देखते हैं क्या पोजीशन बनती है, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वापसी पे सफ़र पे हैं। यहाँ गाड़ी थोड़ी स्लिप तो कर रही है क्योंकि एक टायर पे चेन लगा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना वो बहुत स्लिप कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा हम सही सलामत जो है पहुँचेंगे। ये एक साइड की चेन जो है वो ज़्यादा कोई कामयाब नहीं है। तो अच्छा तो ये हम लोग जो है
वापस आ गए हैं। चेन फंसने की वजह से फिर उससे ऊपर मैं नहीं जा सका। छांगला से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही रहता था, तो चूँकि बर्फ़बारी भी बहुत शदीद शुरू हो गई और चेन जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने उतारा था, तो एक साइड का चेन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, दोनों साइड का लगा होना ज़रूरी होता है। तो चलें, ये भी काफ़ी एडवेंचर हो गया, टायर उतार के चेन को उतारना, फिर जनाब वो बर्फ़ में फंसना, स्लिप होना, ये सारा एक एडवेंचर जो है मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि अकेला एडवेंचर कुछ भी नहीं होता। एडवेंचर तो वो होता है कि जो सबके साथ शेयर भी किया जाए, ताकि आइंदा कोई इस किस्म का एडवेंचर करना चाहे तो कम से कम वो मेंटली तैयार हो कि ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, चेन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेंटली तैयार हो के अकेले ही एडवेंचर करें। मैं तो हर मशवरा नहीं दूंगा, अकेले करें, किसी साथी को लेके आए साथ, ताकि एक और एक 11 होते हैं, तो आप जो है वो एडवेंचर जो करना चाहें तो मेरा मशवरा अकेले ना करें। बाय एनी वेज आपकी मर्ज़ी, आप मेरी तरह अगर कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं अकेले में तो मोस्ट वेलकम, लेकिन मेंटली तैयार होते हैं। ये बस यहाँ से हम खैरा गली, इससे नीचे भी बर्फ़ कम हो जाएगी, इससे ऊपर ही ज़्यादा बर्फ़ है।